हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज उस्मान हैदरी एंड यू आर वाचिंग डॉलर फॉर यू। आज की इस वीडियो में आपको ब्लॉगर का कॉन्टैक्टस पेज बनाना सिखाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्डप्रेस में बहुत सारे टूल होते हैं जिनको हम यूज करके एक अच्छा सा जो है धमाकेदार हम कॉन्टैक्टस पेज बना सकते हैं, लेकिन ब्लॉगर में ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका भाई है ना इधर, तो आपको एक प्रोवाइड करेगा कोड जिसको यूज करके आप इजीली जो है इस तरह का कॉन्टैक्टस पेज बना सकते हैं कि नाम होगा, ईमेल ऐड करनी है और मैसेज ऐड करना और सेंड का बटन होगा। हो गए हैं ना खुश आप? तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आना है और यहां पर आके आपने साइड बार में देखना है कि यहां पर ऑप्शन होगा ऐड गैजेट का। आपने सिंपली ऐड गैजेट पर क्लिक करना है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपने नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहां पर एक गैजेट होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर फॉर्म को रिमूव करके आपने अस कर देना है। करने के बाद आपने सिंपल जो है आपने वापस आ जाना है और यहाँ पर आपने पेजेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी एंड अबाउट अस का पेज नज़र आ रहे हैं। आपको जैसा कि पता है कि एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए आजकल ये चार पेज नेसेसरी हैं। कौन कौन से? प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज एंड डिस्क्लेमर पेज। तो अगर आपको डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं बनाना आता तो आने वाली वीडियो का इंतजार करें, तब तक चैनल को करके सब्सक्राइब रखें। तो आगे आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है न्यू पेज पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक पेज ओपन होगा। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, एक गेम है यहां सिर्फ एक कोड की। कोड कहां से आपको मिलेगा? वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या उस कोड का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट मेरी अपनी है, पहले एक वेबसाइट थी डॉलर फॉर यू के नाम से, अब मैंने ये बनाई है कि आपकी जो हेल्प के लिए ये वेबसाइट अलग से बनाऊं। तो मैंने ये technicianpoints.com के नाम से बनाई है और यहाँ पर एक मैंने पोस्ट जो है वो अपलोड किया है, हाउ टू क्रिएट कॉन्टैक्टस पेज इन ब्लॉगर वेबसाइट। तो आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना। इस पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इजिली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने नीचे स्क्रोल डाउन करना है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके HTML कोड आपको नजर आ रहा होगा, इसके नीचे जो कोड सारा पड़ा है यहाँ से आपने कॉपी करना है। मेक श्योर कि आप कोई चीज इसमें से मिस ना कर जाएं। तो आपने सिंपली ये div जो है यहाँ पर ये बंद हो रहा है तो इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल वहीं पर आना है और यहाँ पर आपने इसका जो है HTML व्यू कर लेना है। HTML व्यू करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो कोड को पेस्ट कर देना है। कोड को पेस्ट करने के बाद आप इसका एक बार प्रीव्यू देख लें। प्रीव्यू यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका जो है वो प्रीव्यू ओपन हो जाएगा कि ये नज़र कैसे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ब्यूटीफुल जो है हमने कॉन्टैक्ट अस पेज बना लिया है। तो अच्छा जी, यहाँ पर कोड पेस्ट करने के बाद आपने इस पेज को जो है वो टाइटल दे देना है। जैसा कि हम कॉन्टैक्ट अस पेज बना रहे हैं तो हम इसको कॉन्टैक्ट अस का जो है वो हम टाइटल दे देते हैं और अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपने वापस आ जाना है और यहाँ पर आप ब्लॉग व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और उसके बाद मैं अगर कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन करता हूँ तो अगर आप न्यू वेबसाइट बना रहे हैं तो आपके पास इस तरह ये ब्लॉग पेज का ऑप्शन आ जाएगा और आपका पेज जो है वो आपकी वेबसाइट पर एक्टिव नहीं होगा। उसको एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक लिंक, कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी लिंक कर लेना है। और उसके बाद आपने लेआउट में आ जाना है और जहाँ पर भी आपने वो कॉन्टैक्ट अस का पेज अपनी वेबसाइट में बटन लगाया है तो ये लिंक वहाँ पर ऐड कर देना है। तो मैंने अपनी वेबसाइट पर जो है वो मैंने टॉप नेविगेशन में ऐड किया है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। और यहां पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस का बटन मैंने ऐड किया हुआ है और यहां पर वो वाला लिंक जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूं, इसको सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद मैंने नीचे से भी सेव कर दिया। उसके बाद मैंने फुटर में भी ऐड किया हुआ था तो मैं फुटर पर आता हूं और फुटर पर आने के बाद यहां पर भी मैंने कॉन्टैक्ट अस का जो है वो मैंने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जो अभी कोड लेके आया उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं सेव के बटन पर क्लिक करके और नीचे से भी सेव कर देता हूँ। अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पर और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, बैक करते हैं और इसको हम एक बार रिफ्रेश करके कॉन्टैक्ट अस के पेज पर हम क्लिक करते हैं
और यहाँ पर जो है ये हमारे पास काम कर रहा है और मेरा कॉन्टेक्टर्स पेज जो है वो ओपन हो गया। नीचे से भी देख लेते हैं और कॉन्टेक्टर्स पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी मेरा पेज जो है वो ओपन हो गया। उसके बाद मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ क्या ये काम भी करता है या नहीं। यहाँ पर मैं अपना नाम दे लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी जीमेल दे देता हूँ। आपने ये जीमेल ट्राई नहीं करनी, ये ओरिजिनल कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो मैसेज टाइप कर लेना है और सेंड के बटन पर क्लिक करना है। सेंडिंग हो रही है और योर मैसेज हैज़ बीन सेंड, कि हमारा मैसेज जो है वो सेंड हो चुका है। अब आपको यकीन हो गया कि ये एक VIP हमने बना लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।